हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल अप विद रिपा पे। मैं रिपा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि आप हार्ड ढकाई जमदानी साड़ी कैसे इजीली वेयर कर सकते हो, वो भी खुद ब खुद। तो ये है साड़ी का पूरा डिज़ाइन, ये डिज़ाइन पूरा ओवरऑल साड़ी पे है। ये साड़ी कैसा लगा कमेंट पे बताइएगा। तो चलिए इसे ड्रॉप करना हम शुरू कर देते हैं। जामदानी साड़ी का जो बेस होता है वो है तात मटेरियल पे। तो हर तात साड़ी में जब आप एंड के ओर जाओगे तो कुछ ऐसा प्लेन थोड़ा सा एरिया रहता है। तो ये अगर मैं यहाँ से वेयर करूँगी तो ये प्लेन एरिया मेरे पीछे दिखेगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, जो डिज़ाइन है मैं यहाँ पर अपने लेग पे ला के देख रही हूँ कि कितना मुझे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद फिर मैंने इसे ड्रॉप करना शुरू किया। अभी अगर आप देखोगे तो जो डिज़ाइन था वो पूरे मेरे पीछे जितना एरिया दिखेगा वहाँ पर डिज़ाइन ही दिखेगा। फोल्ड क्या हुआ जो एरिया है उसे हम थोड़ा सा खींच के फिर यहाँ पर टक कर देंगे ताकि नीचे से ये निकल ना जाए। अभी जैसे हम नॉर्मली साड़ी को ऐसे फोल्ड करते हुए ड्रैप करते हैं तो वैसे ही हमें एक राउंड घुमाना है। तो कुछ इस तरीके से आप घुमा के फिर इसे फ्रंट पे लेके आना। अभी इस तरीके से हम सामने टक इन कर देंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से अगर आप टकिंग करोगे तो आपका जो पूरा कमर का एरिया है वो बहुत ही फिट दिखेगा। तो यहाँ पर पीछे से भी आपको कुछ इस तरीके से करना है। इसको कंप्लीट करने के बाद जो हमारा पल्लू है वहाँ पर देखो, थोड़ा सा मैं निकाल रही हूँ ये एरिया पे। अभी मैं अपने फ्रंट साइड पे एकदम पल्लू की ओर जाऊँगी। ये है पल्लू का डिज़ाइन। तो यहाँ पर मैं फिर से पल्लू के स्प्लिट्स बनाना शुरू कर दूँगी। तो स्प्लिट्स मैं कुछ टू फिंगर को फंसा के और थर्ड फिंगर से मैं इस तरीके से कर रही हूँ। लेफ्ट एंड राइट करते हुए मुझे ये जो पूरा पल्लू है इसे कंप्लीट करना है, पूरा कवर कर देना है। कवर कर देने के बाद मैं यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगा दूँगी कुछ यहाँ इस तरीके से। यहाँ पर थोड़ा सा मैनेज करना ज़रूरी है। मैनेज करते हुए दोनों साइड को अच्छे से पकड़ने के बाद मैं यहाँ पर एक सेफ्टी पिन यूज़ कर रही हूँ। एक सेफ्टी पिन को अटैच करने के बाद जो सारे पल्लू में जो स्प्लिट्स बने हैं उसे हम अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर जहाँ पर पल्लू स्टार्ट है यहाँ पर देखो एक फोल्ड ओपन हो रहा है और दूसरी ओर फोल्ड ओपन नहीं हो रहा है। जिस साइड ओपन नहीं हो रहा है वहाँ पर हमें अच्छे से मैनेज करना स्टार्ट करना पड़ेगा। मैनेज करते हुए हमें अगर एक पल्लू कहीं से बाहर निकल रहा है तो उससे इस तरीके से उसके पहले वाले पल्लू पे नाप लगाने के बाद दूसरे में फोल्ड करना है। पल्लू को मैनेज करते वक्त अगर आपको लगे कि कोई ज़्यादा बड़ा हो गया है, कोई ज़्यादा छोटा हो चुका है, तो जहाँ पर हमने सेफ्टी पिन लगाया था उसे आप अपने चेन की मदद से दबाइए और नीचे इस तरीके से पल्लू को मैनेज कर सकते हो। और थोड़ी ही दूरी पर आप एक एक करके सेफ्टी पिन लगाते जाना तो आपका जो ये साड़ी है वो बहुत ही ईजीली ट्रैप हो जाएगा। पल्लू को इस तरीके से हम सेफ्टी पिन लगाने के बाद हम अपने कंधे पे रख के उसको मेजर कर लेंगे और मेजर जहाँ से हम कर रहे हैं वहाँ से थोड़े और ज़्यादा तक हम स्प्लिट्स को ठीक से बना के एक और सेफ्टी पिन से सिक्योर करेंगे। क्योंकि बंगाली साड़ी रैपिंग में सामने की ओर जो बॉर्डर रहता है वो एकदम नीचे की तरफ एकदम मतलब प्लीट्स बने हुए रहते हैं। तो फिर से मैं यहाँ पर एक कंधे पर डाल रही हूँ और देख रही हूँ कि वो कहाँ तक नीचे आ रहा है। अभी देखो यहाँ तक कंधे पे नीचे आ रहा है तो ये हमारा लेंथ हो चुका है और एक दूसरा सेफ्टी पिन जो हमने लगाया था वो मेरे पेट तक आया है। अभी जो एक्सेस साड़ी है हमें कुछ इस तरीके से निकालना है। निकालने के बाद हम लेफ्ट से पहले तो हम साड़ी को लेफ्ट से राइट तक ले रहे हैं और नीचे फ्लोर लेंथ मेजर करते हुए हम यहाँ पर इसे ड्रैप करेंगे। जो हमारा लेफ्ट मतलब राइट लेग है, राइट लेग के पूरे बीचों बीच हम इसे ड्रैप कर रहे हैं और फिर से हम इसे लेफ्ट तक ला के फिर लेफ्ट लेग के ऊपर ला के फिर इसे ड्रैप करेंगे। इसी तरह से हम जितना भी एक्सेस साड़ी हमारा स्प्लिट के लिए बचा हुआ है उसे हम इस तरीके से ड्रैप करेंगे। अभी फिर से हम लेफ्ट से राइट पे ले रहे हैं। मैं सेल्फी कैमरा पे वीडियो कर रही हूँ तो शायद आपको ये देखते हुए उल्टा लग सकता है। तो देखो अभी भी जो पल्लू है वो मेरा फ्लोर पे आ रहा है, इसीलिए मुझे एक दो राउंड और एक दो बारी और कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं फिर से ड्रैप कर रही हूँ राइट से लेफ्ट तक। देखो अभी कुछ जाके ये मैनेज हुआ है, पर हम जहाँ से हमने कंधे पे पल्लू रखा है उसी साइड पे हमें इसको एंड करना है। तो एक बार फिर यहाँ पर मैं राइट साइड पे लेके आ रही हूँ।
अभी यहाँ पर हम अच्छे से ड्रैप कर देंगे। और देखो जो हमने फ्लोर लेंथ में डाला था वो कुछ एक ही तरीके से है, कुछ नीचे से दिखाई नहीं दे रहा है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे दबा दबा के ठीक करेंगे। तो ये जो फ्लोर लेंथ है वो मैं दिखा रही हूँ कि वो सही है। अभी आप देखो लेफ़्ट शोल्डर पे हमें यहाँ पर पिन लगाना है। लेफ़्ट राइट में थोड़ी सी गड़बड़ी होगी क्योंकि मैं भी सेल्फी कैमरे पे वीडियो कर रही थी पर वीडियो में कुछ और ही दिखाई दे रहा है, तो आप थोड़ा सा समझ लेना। अगर आप जैसे वीडियो में दिख रहा है कि राइट साइड पे आपने मैंने पल्लू रखा है तो आप ऐसे भी रख सकते हो, या फिर इसे आप उल्टा तरह जैसे हम नॉर्मली पहनते हैं उस तरीके से भी पहन सकते हो लेफ़्ट शोल्डर पर। तो ये देखो यहाँ पर जो मैंने पल्लू को निकाल रही हूँ यहाँ पर मैं इसे ड्रैप करती जाऊँगी। अगर आपको लगे कि जो वो सेफ्टी पिन बाहर से हमने डाला था उसके अंदर एक और सेफ्टी पिन डालना है तो आप यहाँ पर सेफ्टी पिन डाल सकते हो। तो ये यहाँ पर ड्रैप करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो देखो हमने बहुत ही इजीली मर्मेड स्टाइल साड़ी को एक बेंगोली ट्विस्ट के साथ पहन के दिखा दिया। तो अभी हम ना सेकेंड वाला साड़ी ड्रैप शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं ब्लाउज को चेंज कर लेती हूँ और फ्रंट पे हमने जो सेफ्टी पिन लगाया था उसे निकाल लेंगे पहले। तो ये मैंने सेफ्टी पिन निकाल लिया है। अभी देखो ये जो सामने वाला एरिया में हमने यहाँ पर पल्लू को अंदर डाला था इसको मैं ऐसे खींच के निकाल रही हूँ और सामने को पल्लू को अच्छे से ऐसे प्रेस करके बिठा दे रही हूँ। बंगाली साड़ी ड्रैपिंग बहुत ही ईजी एक प्रोसेस है, पर हाँ अगर आप इस तरह की हार्ड साड़ी लेते हो तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तब आपको इस तरीके से थोड़े से टिप्स फॉलो करके इस साड़ी को ऐसे पहनना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं सेफ्टी पिन लगा रही हूँ, सेफ्टी पिन लगा लूँगी और सेफ्टी पिन से ये सिक्योर हो जाएगा। आप चाहो तो वहाँ पर टक इन भी कर सकते हो। तो ये देखो फिर ये फ्रंट वाला जो एरिया है मैं अभी नीचे होकर इसे अच्छे से मैनेज करूँगी ताकि ये ज़्यादा फुला हुआ ना दिखे। बंगाली साड़ी वैसे भी थोड़ा सा सामने की ओर फ्लफी दिखता है। और पीछे जो पल्लू पे सेफ्टी पिन था उसे हमने निकाल लिया है। अभी आप अब देखो जो मैंने पल्लू को सामने लेके जो नीचे वाला एरिया था उसे मैंने लिया है और कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर ब्लाउज़ के अंदर इसे ऊपर से ही सेफ्टी पिन से सिक्योर करूँगी पर ब्लाउज़ के साथ। अभी देखो कुछ ये इस तरीके का दिख रहा है। सारे स्प्लिट्स को मैं अच्छी तरीके से बना लूँगी और ये देखो थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, इसको भी मैं अंदर डाल के फिर हाथ से दबा दूँगी। अभी मैं पहनूँगी कमरबंद। तो यहाँ मैंने ले लिया है कमरबंद, इसको इस तरीके से रख के जो पल्लू है पल्लू के ऊपर से मैं देखो पीछे के साइड इस तरीके से यहाँ पर मैं इसे सिक्योर करूँगी। तो इस तरीके से हम पहनेंगे हमारा कमरबंद। तो दैट्स इट, आपको कैसा लगा? देखो ये पूरा ओवरऑल लुक ये है, ये पीछे की ओर, ये सामने की ओर फ्रंट साइड पे, और ये पूरा प्रॉपर मैंने आपको बंगाली स्टाइल पे साड़ी पहनाना सिखाया है। कुछ साड़ियों पे हम स्प्लिट भी डालते हैं पर ये वाला एकदम ट्रेडिशनल वे है। सो गाइस आपको कैसा लगा ये साड़ी पहनने का तरीका? अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।